जैन धर्म के लोग यहाँ पे आज मौन रैली निकाले हैं, उन लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश नजर आ रही है। कुछ दिन पहले ही लोग जो थे मेन रोड के समक्ष जो है विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ जारी कर दी थी। वहीं उन लोगों की मांग थी कि जो पारसनाथ मंदिर है उनको तीर्थ स्थल ही रहने दे, ना कि उसे पर्यटन स्थल बनाया जाए। पर्यटन स्थल बनाने का अर्थ ये होता है कि वहाँ पे लोगों का नाच गाने का अड्डा हो जाएगा या फिर मंदिर पान करने का अड्डा बन जाएगा वहाँ पे, ना कि वो कोई पवित्र स्थान रह पाएगा। लोग इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा विरोध जता रहे हैं, हालांकि वो लोगों का कोई नारा नहीं है, कोई भी विरोध प्रदर्शन यहाँ पे बैठने का नहीं है। वही कहीं ना कहीं मौन रैली जो है वो लोग निकाल रहे हैं और सरकार को ये दर्शा रहे हैं कि उनकी जो मांग है उन्हें पूरी की जाए, ना कि वो जो सरकार जारी की है उस पे वो अटल रहे। वही हम लोगों से जानेंगे कि क्या कुछ कहेंगे। सबसे भव्य स्थल जो है आप लोग का तीर्थ स्थल है, उन पर सरकार जो है नोटिस जारी कर दी, जो कि आप लोग को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, भावनाओं को ठोस पहुँचाने का काम कर रही है। क्या कुछ कहेंगे अगर सरकार इसको अभी बदलने का काम नहीं करेगी तो आगे की रणनीति क्या कुछ हो गया? देखिए, जैसा कि सभी को पता है कि समेत शिखर जी हमारा सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, यहाँ देश विदेश से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं पूरी श्रद्धा भाव निष्ठा के साथ। और जब हम लोग पर्वतराज की वंदना करते हैं तो नंगे पांव धुले हुए वस्त्र के साथ पूरी पवित्रता के साथ हम लोग पहाड़ के दर्शन के लिए जाते हैं पूरे भाव के साथ। अगर इसे पर्यटक क्षेत्र बना दिया जाएगा तो लोगों में वह पवित्रता नहीं मेंटेन हो पाएगी। अभी आप एक एग्जांपल ले लीजिएगा, अगर हम जा रहे हैं कहीं मसूरी घूमने के लिए और एक जा रहे हैं हम लोग समेत शिखर जी घूमने के लिए दर्शन करने के लिए तो हमारे मनोभावों में काफ़ी अंतर होता है। तो जो मनोभाव से हम दर्शन करने जा रहे हैं, जो श्रद्धा से हम दर्शन करने जा रहे हैं, उस समय वो भाव वहाँ व्यक्त होते हैं। तो हमारा सरकार से सिर्फ और सिर्फ यही एक निवेदन है कि इसे धर्म तीर्थ स्थल ही रहने दिया जाए, पर्यटन स्थल ना बनाया जाए, ताकि इसकी पवित्रता को कहीं भी नुकसान ना पहुंचे और हमारा जो भाव जो श्रद्धा वर्षों से कायम है वो अनादिकाल तक कायम रह पाए। अगर सरकार जो है शराब की पाबंदी लगा दे, नाच गाने की पाबंदी लगा दे, तो क्या अभी उसके बाद भी आप लोग पर्यटन स्थल स्वीकार नहीं करेंगे? देखिए, पैटर्न जो भी हो, हमारा मेन उद्देश्य है कि वो धार्मिक हो। मैंने आपको पहले भी कहा कि आपके भावों को नहीं बदला जा सकता है। आप शराब को प्रतिबंध कर सकते हैं लेकिन चोरी छुपे रोक नहीं सकते हैं। तो जो भाव धार्मिक क्षेत्र के लिए होगा वो भाव पर्यटन के लिए नहीं हो सकता है। और पर्यटन मतलब होता है आप मनोरंजन के लिए भ्रमण कर रहे हैं और हम लोग भ्रमण करने नहीं देना चाहते। वो हमारा शाश्वत तीर्थ क्षेत्र है। मुनि वहाँ पर तपस्या करके मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। ऐसी पावन धरा जहाँ की कण कण हम लोग के लिए पूजनीय है, वैसी धरा पर हम पर्यटन कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। जितेंद्र जैन, रांची से। क्या लगता है सरकार ऐसा क्यों कर रही है, पवित्र स्थल को पर्यटन स्थल क्यों बना रही है, उनके मन पे क्या कुछ होगी? क्यों सरकार को सिर्फ अर्थ चाहिए पैसे के लिए जी। जो कि पैसे की कोई कमी हमारे झारखंड में नहीं है जी। हम इसको धार्मिक स्थल ही रहने देंगे। तो क्या लग रहा है सरकार के पास इतने पैसे की कमी हो गई है कि वो धर्म स्थल को भी इस तरह का बना? पैसे की कमी नहीं है, पर हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इसलिए पहुँच रहे। हाँ जी, हाँ जी, आपके धर्म के लोगों को काफी ठेस पहुंच रहा है। काफी महिलाएं पुरुष जो आप लोग एक साथ यहाँ मौजूद है, क्या लगता है सरकार को क्या कड़वी जवाब देना चाहिए? उन्हें धार्मिक स्थल बनाना होगा, इसके लिए हम हर तरह से तैयार हैं। पूर्ण विश्वास है कि यह धर्म क्षेत्र बनेगा और हमारा शाश्वत तीर्थ क्षेत्र शाश्वत ही रहेगा। तो जैसा कि आपने सुना कि लोगों पे ये विश्वास है सरकार को लेकर के कि सरकार उनकी बातों को जरूर मानेंगे और इस तरह के जो वहाँ पे पर्यटन स्थल पे जो लोग इस तरह के व्यवहार अपनाते हैं, नाच गाने का स्रोत होता है, उसे लेकर के जो है वो बस उस पे रोक लगाई जाएगी। यहाँ पे हमारे साथ काफ़ी तादाद में महिलाएँ भी मौजूद हैं, हम महिलाओं से जानेंगे कि क्या कुछ कहेंगी। महिलाएँ भी इस पे काफ़ी विरोध जता रही, हालांकि वो लोग मौन रैली पे है। महिलाओं का क्या कुछ कहना है, महिलाओं से जानेंगे क्या कुछ कहना है। सरकार जो है इतना अजीब रवैया जो आप लोग के साथ अपना रही है, क्या लगता है इस पे सुधार करेगी सरकार? एक करना चाहिए, करना होगा उनको। ये हमारी पर्यटन स्थल नहीं, हमारी तीर्थ भूमि है। यहाँ हमारे 24 तीर्थंकरों का निर्माण हुआ है, हम कैसे इसको पर्यटन स्थल बनने दे? हम लोग कभी भी नहीं होने देंगे। इसकी कण कण पे शुद्धता होती है। हाँ, ये हमारा बहुत पवित्र स्थान है, इसीलिए हम पर्यटन बनने का अर्थ हो जाएगा वहाँ पे नाच गाने का अड्डा हो जाएगा, शराब का, मौज मस्ती हो जाएगा, जबकि आप लोग का एक जो है कण कण पे शुद्धता अपना। धार्मिक स्थल है तो वहाँ धर्म का ही सब कुछ होना चाहिए। अनैतिक तो मतलब अहिंसा और हिंसा का है, तो वहाँ वो सब कुछ होना भी नहीं चाहिए ना। धर्म के लिए लोग वहाँ जाते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं, मन की शांति मिलती है, तीर्थ स्थल है, तो उसको उसी हिसाब से सरकार को सहयोग करना चाहिए।
उसको धर्म क्या सोच समझ के उसको पर्यटक स्थल घोषित की है, क्योंकि वहाँ पर मूर्ति की पूजा होती है, वहाँ पर कोई भी ऐसा चीज नहीं होता है कि उसको पर्यटक स्थल घोषित किया जाए। ये एकदम गलत है, सरकार को ये निर्णय अपना वापस लेना होगा और उसको पर्यटक स्थल नहीं घोषित करना। क्या उसी का आक्रोश है हम लोगों को, ये नहीं होना चाहिए। अहिंसा परम धर्म, हम लोग की आवाज को सुनना चाहिए और उसको इसको धर्म स्थली घोषित करना चाहिए। इतने समुदाय आए, उसको आके बाहर देखा नहीं, ना राज्यपाल आए ना मुख्यमंत्री आए, उनको आके तो जनता को प्रोत्साहित तो करना चाहिए ना कि भाई हम आपके साथ में है, आगे तो जो होगा सो होगा, लेकिन जनता का सहयोग तो करना चाहिए ना उनको। जैसे कि आपने अभी कहा कि आप लोग को सरकार जो सपोर्ट नहीं कर रही है, जो नोटिफिकेशन उन्हें जारी किया उसी पे सरकार जो अटल है, और हम आपसे पूछना चाहेंगे कि अगर सरकार अपना निर्णय चेंज नहीं करती तो आगे की रणनीति, आगे आप लोग क्या कुछ करेंगे? अब आगे तो देखेंगे ना, हम लोग भी तो फिर अपनी रणनीतियाँ बनाएंगे ना, जब सरकार अपना अडिगा तो फिर हम लोग भी कुछ अडिग होंगे। लेकिन पवित्र स्थान को पवित्र रहने देंगे, उसको बिना उसकी पवित्रता खंडित नहीं होने देंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि महिलाओं में भी ये आक्रोश नजर आ रहा है कि वो पवित्र स्थान जो है उसे अखंडित नहीं होने दिया जाएगा, और लगातार इन लोगों का जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विरोध प्रदर्शन जारी है, हालांकि वो मौन है। इन लोगों का कहना है कि सरकार को उनकी बातें जो है माननी ही पड़ेगी। क्या कुछ कहेंगी, काफी तादाद में आप लोग यहाँ महिलाएं और पुरुष दोनों जमा हुए हैं, क्या कुछ? इतना ही है हमारा उद्देश्य, यही है कि सम्मेलित शिखर जी जो हमारा पवित्र स्थल है उसे पवित्र ही रहने दिया जाए, उसको पर्यटन स्थल ना बनाया जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि जैन समाज एक अल्पसंख्यक समाज है, हमने आज तक कुछ भी डिमांड नहीं किया है, हम टैक्स भी सबसे ज्यादा पे करते हैं, तो क्यों हमारी जगह को आप पर्यटन स्थल बना करके एक बिजनेस का जरिया बना रहे हैं? हमसे, हमें सरकार से रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे सम्मेलित शिखर जी क्षेत्र को पर्यटन स्थल ना बनाया जाए। हम हर तरह से आपकी सपोर्ट करना चाहते हैं, पर सम्मेलित शिखर जी को जो हमारा पर्वत है जहाँ हम नंगे पांव जाते हैं, हम वहाँ पर ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं, वहाँ जाकर के पिकनिक मना रहे हैं लोग, गंदी गंदी वहाँ पे हरकतें कर रहे हैं, ये हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। तो हम जब टैक्स आपको सरकार को इतना पे करते हैं, जैन समाज एक अल्पसंख्यक होने के कारण ना ही वो किसी चीज़ के डिमांड करते हैं, तो हमारे पर्यटन स्थल को आप क्यों, हमारे सिद्ध क्षेत्र को आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमारी बस यही रिक्वेस्ट है आपसे। हमारी ये पवित्र पावन भूमि है, इसे अपवित्र न किया जाए। यहाँ पर हम लोग त्याग तपस्या के लिए जाते हैं, कुछ छोड़ने जाते हैं, ग्रहण नहीं करते। वहाँ पर हम लोग अपना व्रत उपवास और उसकी भूमि को हम अपने मस्तक पे लगाते हैं। जिस भूमि को हम मस्तक पे लगाते हैं उस भूमि को हम अपवित्र कैसे करने देंगे? और वहाँ पर घूमने फिरने की जगह नहीं है, वहाँ तो सिर्फ जहाँ भगवान हमारे मोक्ष गए हैं वहाँ पर हम लोग जा करके पूजा पाठ करते हैं। एक हम पुजारी की भावना से जाते हैं, न कि घूमने की भावना से जाते हैं। घूमने की भावना से जाना है तो बहुत जगह है, और वहाँ पर हमारे मुनि महाराज लोग सब वहाँ पर जा करके 6 महीना 4 महीना तक का व्रत नियम उपवास करते हैं, तप करते हैं। अभी भी हमारे महाराज वहाँ पर एक विराजमान है और उपवास कर रहे हैं, उनका नाम है श्री प्रसन्न सागर जी महाराज, 60 दिन का उपवास कर रहे हैं। स्थल बनाया जाए, बस यही हमारी एक मांग है सरकार से, और कुछ नहीं। सरकार से हमें पूर्ण विश्वास है कि वो हमारी मांगों को पूरा करेंगे, क्योंकि हम अहिंसावादी और अहिंसावादी तरीके से ही हम विश्वास कर रहे हैं, हमारी मांग पूरी होगी। हमें ये पूर्ण विश्वास है कि सरकार हमारी मांगों का पूरा करेंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।